एक या दो बार नहीं बल्कि सातवीं बार चोरों ने गौशाला के दान पात्र में सेंध लगा दी और इस बार तो 50,000 रुपए चोरी कर लिए हैं। पूरा मामला रोहतक के वैश्य गौशाला का है, जहां चोरों ने देर रात दान पात्र का ताला तोड़कर उसमें मौजूद पैसे निकाल लिए और मौके से फरार हो गए। चोर जाते जाते वो सामान मौके पर ही छोड़ गए जिसकी मदद से उन्होंने दान पात्र को काटा था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दान पात्र के पास मिले सामान को कब्जे में ले लिया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने में जुट गई है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। ये दान पात्र पिछले 100 वर्षों से रखा हुआ है। इस दान पात्र के अंदर जो सुबह 4 बजे डेली पैसेंजर रेलगाड़ियों से आरंभ होता है और रात को 12:30-1 बजे तक जो वापसी आते हैं, इस दान पात्र के अंदर अपनी गौ सेवा के लिए जो भी उनकी श्रद्धा होती है इस दान पात्र में अपना दान डालकर चले जाते हैं। लगभग 1 महीने के अंदर हमारे यहाँ पर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का दान इस दान पात्र के माध्यम से आता है। साप्ताहिक तौर पर हम इसको खोलते हैं, पहले इसे महीने में खोलते थे लेकिन लगातार ये 7वीं बार गल्ले की चोरी हो रही है और हम तो कहेंगे कि ये डकैती होती है, क्योंकि ये रोड एक ऐसा रोड है जो पूरी रात चलता है। यहाँ पर बैंकों के एटीएम भी लगे हुए हैं और पूरा आवागमन रहता है, उसके बावजूद सरेआम खुलेआम यहाँ पर गल्ले की तोड़कर चोरी होती है और गौओं के लिए जो दान आता है उस दान को ये चोर अपने शिकार करते हैं। मैं तो कहूँगा कि गल्ला ना तोड़कर इन्होंने गौओं के चारे के ऊपर डाका डाला है। बता दें कि सुबह से लेकर शाम तक आने वाले मुसाफिर इस दान पात्र में गौ सेवा के लिहाज से दान डालते हैं, जिसे 1 सप्ताह के बाद खोला जाता है। औसत दान की बात करें तो जब भी इसे खोला जाता है तो लाखों रुपए दान के रूप में निकलते हैं, जिससे गाय का चारा खरीदा जाता है। बहरहाल ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले 56 घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी शिकायत पुलिस से की जा चुकी है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस के हाथ कोई सीसीटीवी फुटेज कब तक लगता है जिसमें आरोपी आते जाते दिखाई दे सकते हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।